नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है सूखे टमाटरी छोले बनाने की। टमाटर वाले फ्लेवर में आज हम ये छोले बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होंगे, खाने में झटपट से बन जाएंगे। इसको आप नान के साथ, भटूरों के साथ सर्व करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप ये भीगे हुए छोले लिए हैं। इनको हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। छोले अच्छे से भीग गए हैं और इनको हमने दो बार पानी से और धो लिया है। अब हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर और इन छोलों को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2.5 कप पानी। हम कप से या कटोरी से नाप के डालेंगे। एक कप छोलों के लिए हमें 2.5 कप पानी ऐड करना होगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। ढक्कन लगा के अब हम इसमें 5 से 6 सीटी लगाएंगे। प्रेशर कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, हाई फ्लेम पर। हम इसमें 5 से 6 सीटी लगाएंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और 1 सीटी हम लो फ्लेम पर लगाएंगे। छोले हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से उबले या नहीं। तो इस तरह से हम एक दाना लेके चेक कर लेंगे। ये देखिए छोले अच्छे से उबल गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो चलिए अब देख लेते हैं छोले बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। 1/4 चम्मच हम यूज करेंगे हींग। 1 लिया है हमने तेज पत्ता। साथ ही हमने लिया है 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। 6 से 7 हमने लहसुन की कली ली थी, उनको ग्रेट कर लिया है। 1 हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी ग्रेट कर लिया है। आप अदरक और लहसुन के पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर। 1 चम्मच लिया है मिर्च पाउडर, या मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, छोलों में हल्दी का अमाउंट हमें बहुत कम रखना है। अगर हल्दी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो जो छोलों का टेस्ट है वो खराब हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। और 1 टमाटर हमने इस तरह से लंबे पीसेज में कट कर लिया है, क्योंकि हम टमाटरी छोले बना रहे हैं तो इसलिए हमने टमाटर को थोड़े से बड़े पीसेज में भी कट करके रखा है। 3 यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली थी, उनको भी बारीक कट कर लिया है। 2 हमने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको भी बारीक कट कर लिया है। साथ ही हम 2 चम्मच यहाँ पर छोले मसाले का भी यूज करेंगे। और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर लिया है हमने सरसों का तेल। अब गैस पर रख दी है हमने एक लोहे की कढ़ाई। अगर आप लोहे की कढ़ाई में छोले बनाएंगे तो उनका कलर भी थोड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, साथ में हम इसमें डाल देंगे जीरा। अब मैं इसमें डालूंगी दालचीनी और तेज पत्ता, कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ लहसुन, साथ में ही हम इसमें डाल देंगे अदरक, फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन अच्छे से भून जाएगा तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज, साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इनको हाई फ्लेम पर सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज को हमने सुनहरा होने तक भून लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला। मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ में।
मिक्स करने के बाद साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक पिंच नमक, जिससे कि जो टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाएंगे। बराबर से चलाते हुए टमाटरों को हम मैश होने तक कुक करेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं और जो ये मसाला था इससे तेल जो है सेपरेट होने लगा है, आप वीडियो में बराबर से देख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो टमाटर हमने लंबे लंबे पीसेज में कट किए थे, यानी बड़े पीसेज में कट किए थे, मसाले के साथ में मिक्स कर लेते हैं। और साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो छोले हमने उबाल के तैयार किए हैं, उनको मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ में। छोलों को हमने अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमें सूखे छोले बनाने हैं। अगर आप ग्रेवी वाले छोले चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। नमक यहाँ पर आप इस स्टेज पर चेक कर लें। अब लो फ्लेम पर हम इनको ढक देंगे और कम से कम 15 मिनट हम इनको लो फ्लेम पर इसी तरह से कुक होने देंगे। बीच में एक दो बार हम इनको पलटते रहेंगे। 10 मिनट के लगभग हो गए हैं छोलों को मसाले के साथ पकते हुए। बीच में हमने इनको एक दो बार पलट दिया था। तो अगर आपको ग्रेवी वाले छोले रखने हैं तो आप इसी स्टेज पर गैस को बंद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सूखे छोले बना रही हूँ तो अब मैं इसको कवर नहीं करूँगी। गैस की फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इसको हम एकदम सूखा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सूखे छोले ये बनके तैयार हैं। इसकी ग्रेवी को हमने सुखा दिया है। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सूखे टमाटरी छोले बनके तैयार हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, भटूरे के साथ, पूरी के साथ और नान के साथ सर्व करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।